नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हुए नशे की। राजस्थान में नशे का कारोबार इतनी तेजी से बढ़ रहा है और जिसने अब तक ना जाने कितने परिवारों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। देश की बड़ी चुनौती नशे के कारोबार पर अंकुश लगाकर युवाओं और बच्चों को इसके चंगुल में फंसने से बचाना है। राजस्थान के युवा पूरी तरह इस चंगुल में फंसे नजर आ रहे हैं। उससे पहले ही सरकार और प्रशासन इस पर ठोस कदम उठाने की कोशिश भी कर रही है और इसकी जरूरत भी है। और इसी के साथ पीड़ित और पीड़ित के परिवार को भी इस बुराई से लड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों बढ़ रहा है नशे का ये चलन, तेजी से क्यों फैल रहा है? दवाइयों से जो नशा है वो परोसा जा रहा है, आखिर क्यों? नशेड़ियों को गोलियां देने वाले केमिस्ट पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से खास बातचीत की, उनसे उनकी राय जानी। और सबसे पहले आइए आपको जयपुर लिए चलते हैं, वहां की लोगों की राय इसको लेकर क्या है, हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में युवाओं की नसों में जहर घोला जा रहा है। बाहरी राज्यों से तस्करी करने के बाद यहां पर आकर नशे की खेप बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है, जिसकी जद में राजस्थान के युवा आ रहे हैं। हर कोई आजकल छोटा नशा शुरू करता है, उसके बाद परिजनों से छुप छुपा कर एक बड़े नशे का आदि हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं आजकल हर कोई युवा नशा कर रहा है, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? पहले नहीं, आजकल ये है कि बहुत ज़्यादा नशा होने लग गया राजस्थान के अंदर, और जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब लेने लग गए हैं नशा, बहुत नशे का पतन बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान में गांजा बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा उसका सेवन कर रहे हैं लोग। उसके कारण युवा पीढ़ी बहुत पिछड़ती जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं स्टडी के मामले में देख सकते हैं आप, जो कि आजकल न्यू राजस्थान में ज़्यादातर केसेस जो बढ़ रहे हैं आप रेपिस्ट एंड क्या बोलते हैं चोरी चकारी, इनमें भी आपका देखेंगे तो राजस्थान अभी आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सब कुछ नशे के कारण ही हो रहा है। युवा को बताना चाहूँगा, जब पुलिस कार्रवाई करती है बदमाशों से पूछताछ करते हैं तो यही बोलते हैं कि नशे के आदि और नशे की लत के चलते वो वारदातों को अंजाम देते हैं। इसके पीछे क्या मानते हैं कि परिजनों का बच्चों पर ध्यान नहीं देना सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण है कि स्टेटस सिंबल बन गया आज नशा करना। जो जितना ज़्यादा नशा करता है लोगों की नज़र में उतना ही बड़ा पैसे वाला होता है, वही होता है जितना ये इंस्टा रील्स वगैरह होता है उनमें शो ऑफ वगैरह करना होता है। वो जैसे 12-13 साल के लड़के भी सिगरेट इसीलिए पीते हैं कि उनको शो ऑफ करना होता है। अगर वो अकेले रहेंगे तो कभी सिगरेट नहीं पियेंगे, चार जने देख रहे होंगे तो ज़रूर सिगरेट पियेंगे, क्योंकि और लोगों को देखते हैं सिगरेट पीते हुए तो उनको लगता है कि हाँ हमें भी सिगरेट पीना चाहिए, ये एक स्टेटस सिंबल है, ये कूल रहेगा, ये मैं कूल लगूंगा जितना ज़्यादा सिगरेट पीऊँगा। फिर सिगरेट पीता है तो उसके बाद सिगरेट पीने वालों के साथ बैठता है तो उनमें उनको 5-10 जनों में एक जना मिलता है जो गांजा पी रहा होगा, तो उसको लगता है कि यार सिगरेट तो छोटी चीज़ है मैं गांजा पीऊँगा। गांजा पीने वालों के साथ बैठता है तो उनमें से एक उससे भी बड़ा कोई नशा कर रहा होता है तो वो उस चीज़ को लेने लग जाता है, इंजेक्शन लेने चल जाता है, इस तरीके से बढ़ता रहता है सबसे। बिल्कुल, क्योंकि स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे देख रहे हैं कि बाहर जैसे उड़ता पंजाब कहा जाता था, अब राजस्थान को भी उड़ता है, राजस्थान के हो बोले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, अब ये कह सकते हैं अपन कि राजस्थान भी अब इस मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। यहाँ के युवा जो हैं वो काफ़ी नशा कर रहे हैं, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती इसकी वजह भी? पुलिस सर कितनी कहाँ कहाँ ढूंढेगी, पुलिस भी अपना काम कहाँ करेगी सर, कुछ तो खुद समाज में भी खुद भी जागरूक होना चाहिए इसके लिए, लोगों को अपने जो माँ बाप हैं उनको भी कुछ एजुकेट करना चाहिए बच्चों के लिए। पुलिस कब तक कितना करेगी सर, कहाँ तक कवर करेगी? युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो नशे के आदि होकर चले? मैं बस ये कहना चाहूँगा युवा को कि क्या बोलते हैं नशे में कुछ नहीं रखा है, इससे अच्छा है कि आप अपना कुछ करियर में ध्यान दीजिए, उससे आपका करियर बनेगा, नशे से आपका करियर नहीं बनेगा, आपका करियर खराब ही होगा, ये मैं कुछ सलाह दूंगा युवा पीढ़ी को। नशे से सिर्फ शरीर ही खराब नहीं होगा बल्कि आने वाली नस्लें भी खराब हो जाती है, परिवार तक उजड़ जाते हैं। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज। तो राजस्थान के लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है अभी आपने ये देखा, और जोधपुर में भी लोगों की अपनी अपनी राय है, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के युवाओं में भी नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात पूछते हैं। आपको लगता है राजस्थान में नशा बढ़ रहा है, युवाओं में ये प्रवृत्ति पड़ रही है, नशा अब बेरोक टोक बिकने लगा है? जोधपुर में जो है नशे का
चलन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें से चरस, अफीम, डोडा पोस्ट वगैरह जो है पहले सरकारी दुकानों पर मिल जाती थी, लेकिन अब वो सरकार ने उस पर बैन कर दिया है। तो अब जो है चोरी छुपे उसका काम होता है और नशे के जो लोग आदि हो जाते हैं उसके बाद जब पैसा नहीं होता है तो वो चोरियाँ भी करते हैं, लूटपाट भी करते हैं। तो आजकल वो भी जोधपुर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शराब की दुकानें जो है सरकार और आबकारी विभाग कई बार कार्यवाही करती है, 8 बजे तक बंद हो जाए, लेकिन वो भी साल में कभी कभार जब ऊपर से प्रेशर आता है तभी होता है। आज भी 8 बजे के बाद जब जाओ आपको जो है शराब वगैरह मिल जाएगी और लोग बेधड़क घूमते रहते हैं। बहुत सारी दवाएँ जो है आजकल जो है उसमें खांसी की पीने की जो दवा होती है वो भी आजकल पैसे नहीं होने के कारण उससे भी लोग जो है आजकल नशा करने लग गए हैं। आपका क्या मानना है? मेरा यही मानना है सर कि रात को 8 बजे के बाद में जो दारू बियर वगैरह जो मिलती है वो दिन में जितनी बिकती नहीं है उतनी ज़्यादा रात को बिक जाती है, सबसे ज़्यादा रात को ही बिकती है वो चीज़ें। और इसमें सबका साथ है, आप करे अधिकारी वो देखते हुए भी कुछ कार्रवाई नहीं करते। ऐसा है, नशा राजस्थान में चरम सीमा पर है। हर तरह का नशा, अफीम का नशा, डोडे का नशा, एक नया चला MD नशा, और वो डोडो में मिला के जनता को और युवाओं को नशा नशा का बनाया जा रहा है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शराब के ऊपर पाबंदी है, लेकिन मसूरिया में आप कभी भी दारू चाहेगी कौन सी ब्रांड सभी मिल जाएगी। इससे आबकारी विभाग भी पल्ला झाड़ रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि उसको हफ्ता मिल रहा है, और पुलिस विभाग कह रही है वो भी कुछ नहीं कर रही है, जबकि अशोक जी ने, हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी ने कहा था 8 बजे बाद नशा बंद हो, उसका एक ही उद्देश्य था अशोक जी का, 8 बजे तक लोग ले लेवा के अपने घर चले जाएंगे, रात को 12-1 बजे तक यहाँ रोड पे दारू पिए हुए कहीं गिरे हुए पड़े हुए नहीं मिलेंगे, घर से ही सलामत पहुँच जाएंगे। लेकिन उनकी आदेश की अवहेलना हो रही है और नशा, अब ये स्थिति होगी दारू और सभी तरह का नशा चाहे जब आपको मिल जाएगा, जब डोड पोस्ता ये डोडा वगैरह इसकी थी वो परमिट था, अब वो परमिट तो ख़त्म कर दिया, और वो खुले आम धड़ले से जो 1 रुपये का माल था आज वो 10 रुपये में बिक रहा है, और नशे के आदि है लोग, इधर उधर से घर का चोरी छुपके अपने बहुओं का सामान बेचकर अपने नशा प्रवृत्ति करते हैं, और वहाँ भी नहीं मिलता तो लोगों की गलों में चने, लोगों के घरों में चोरी है, ये सब नशा प्रवृत्ति की देन है। अगर इस पर पाबंदी लगे तो राजस्थान में तो चोरियों की पाबंदी लग सकती है। जोधपुर में कई तरह के नशे प्रचलित हैं, ऐसा तो पूरे राजस्थान में ही 8 बजे का समय शराब की दुकानें बंद होने का है, लेकिन उसके बाद शराब देर रात तक या कहा जाए पूरी रात को ही बिकती हुई देखी जाती है। कई बार इसके स्टिंग ऑपरेशन भी हुए हैं, सबकी संज्ञान में ये मामले आ चुके हैं। दूसरी ओर जो खासतौर से जोधपुर के आसपास के इलाकों में प्रचलन है डोडा पोस्ट का, इसका पहले परमिट मिला करता था, परमिट खत्म होने के बाद में अवैध डोडा पोस्ट की जैसे बाढ़ सी आ गई है और तस्करों के पैसे कमाने का ये आसान जरिया हो गया है, जिस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़ जोधपुर। और वहीं अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानी, रिपोर्ट देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि नशे का जो कारोबार है दिनों दिन प्रदेश में और जिले भर में फैलता चला जा रहा है, एन के एन प्रकरण किसी भी तरीके से नशे की जो जितनी भी सामग्रियां हैं, जितने भी नशे के सामान हैं वो आसानी से मुहैया लोगों को हो जाते हैं, जिससे कि आज की जो नौ युवक हैं, युवा पीढ़ी है, पूरी बर्बाद हो रही है। इसको लेकर के अजमेर के कुछ गणमान्य लोग और जनप्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद हैं, उन सब खास चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से इन पर अंकुश लगे। इंडियन न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नशे की खेप लगातार बढ़ती चली जा रही है और आसानी से लोगों को मुहैया हो जाते हैं सर नशे के पदार्थ, किस तरीके से इस पर अंकुश लगे? निश्चित रूप से नशे का कारोबार जिस तरीके से फैल रहा है बड़ा दुखद है, क्योंकि आज जो युवा जनरेशन के अंदर ये सर चढ़कर बोल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सीनियर सिटीजन जो अभिभावक है बच्चों के, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो परिपाटी चल रही है हमें उसकी ओर देखना होगा, क्योंकि अगर जब आज घर में बड़ा बुजुर्ग पिता या जो भी नशा करता है तो उसका प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ता है। तो सबसे पहले तो जो सीनियर सिटीजन्स और अभिभावक है वो इस पे स्वयं पे रोक लगाए ताकि नशा फैले नहीं,
और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि राज्य सरकारों की एक रेवेन्यू का बहुत बढ़िया बड़ा जरिया है ये, लेकिन सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि हमारा जो समाज है, युवा पीढ़ी है, आज गर्त की ओर चली जा रही है। तो हम निश्चित रूप से अगर नशा का कारोबार कम नहीं हुआ और नशे का प्रचलन कम नहीं हुआ और नशे की प्रवृत्ति आमजन में कम नहीं हुई तो हमारा देश खोखला हो जाएगा। चूँकि जो एक सभ्य व्यक्ति और एक सभ्य समाज के लोग जो तरीके से देश के विकास में अपनी भागीदारी देते हैं, वो तभी दे पाएंगे भागीदारी, तब वो स्वस्थ होगा। और अगर हम नशे का कारोबार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा होगी। और जैसा कि कहा भी गया है, नशा भी एक मौत का ही जरिया है। तो हम आपके चैनल से, आमजन से, देशवासियों से भी अपील करना चाहेंगे, जो नशा आप कर रहे हैं, नशा छोड़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और देश के विकास में आप भागीदार बने। कमल गंगवाल, बिल्कुल सही बात है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें तो शायद नशे खोरी पर अंकुश लग सकता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि राजस्थान में नशे की खेप बहुत ज़्यादा तौर से आ रही है, एंड पुलिस प्रशासन कितना इसमें सजग? राजस्थान में नहीं, ऑल इंडिया में ही नशा बढ़ता जा रहा है और नशे के चक्कर में लोगों के घर पर चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं, ऐसी कंडीशन हो गई है। दारू पीना, स्मैक पीना, गांजा पीना, ये चीज़ें क्या नॉर्मली एकदम सरलता से मिल जाती है सबको। उस हमारा विचार यही है कि सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए नशे के ऊपर, जिससे क्या है ना, अभी वर्तमान में पुलिस प्रशासन का क्या रोल है इसके अंदर? पुलिस प्रशासन का रोल थोड़ा कम है इसमें, पुलिस थोड़ी सख्ती नहीं कर रही है। पुलिस तो थोड़ी सख्ती करेगी तो नशा नहीं मिलेगा तो पब्लिक करेगी नहीं। अभी इतना नशा बिक रहा है जब लोगों के घर पर चूल्हा नहीं जलता है, पर नशे के लिए पैसे उनके पास आ जाते हैं। दिन भर जो धान की मजदूरी करते हैं वो लोग 400-500 रुपये कमाते हैं, जात के पहला नशा कर लेते हैं, फिर 150 रुपये घर देते हैं, नहीं देते हैं, कोई भरोसा नहीं उन लोगों का। इसलिए थोड़ी पुलिस सख्ती करे तो नशे से राहत मिलेगी, पब्लिक की सेहत पर ही फर्क पड़ेगा, पब्लिक को आराम मिलेगा। इसलिए मेरा आप लोगों से, पब्लिक से ये कहना है कि भाई कम से कम नशा करें और नशा मुक्त भारत बनावें। बिल्कुल सही बात है, नशा कम होगा तो शायद देश आगे बढ़ेगा। आपकी क्या राय है? देखिए, अजमेर शहर पूरे विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर ख्वाजा साहब की दरगाह भी है तो पुष्कर भी है, और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है कि यहाँ पर नशा बहुत ही आसानी से बिकता भी और ख़रीदा भी जाता है। और ये एक बहुत बड़ा हब है अजमेर शहर, जहाँ पर पुष्कर हो चाहे दरगाह हो, यहाँ नशा बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है। जहाँ तक प्रशासन की रवैये की बात है, प्रशासन सख्त क्यों नहीं है, इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि अजमेर की जो पुलिस है, कुछ पुलिस वालों की वजह से बदनाम हो रही है। अब उनके पीछे उनका क्या आर्थिक मंशा है वो सब अच्छी तरह समझते हैं। कहीं ना कहीं अगर पुलिस सजग हो, सख्त हो, तो ये सारे नशा रुक सकता है। आप अजमेर शहर में देखेंगे, अभी कुछ दिनों में हम अगर युवाओं की बात करें तो किस तरह से बिगड़ रहे हैं। जगह जगह पर हुक्का बार खुल गए हैं, ओपन हुक्का बार हैं, चाहे वहाँ लड़की है लड़का है, एक बंद कमरे में, काले कमरे के अंदर धुएँ के बहुत बढ़िया बढ़िया छल्ले बनाते हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह ढील दे रखी है, युवा पूरी तरह से बिगड़ रहा है। युवा को ये नहीं पता लगा कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लीगल जो शराब बिक रही है शहर के अंदर, तो ये जो शराब है वो 8 बजे के बाद बैन होनी चाहिए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि 8 बजे के बाद खुल्लम पूरे शहर के अंदर दारू बेची जा रही है। आप रात के 12 बजे भी किसी भी ठेके पे जाके साइड में उसका शटर ऊपर करवा के, या उन्होंने जो छोटे छोटे झरोके बना रखे हैं, उन झरोकों से आसानी से दारू अवेलेबल कर सकते हैं। हम इधर का दक्षिण का क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ खुलेआम दारू बन रही है, जिसे कच्ची दारू कहा जा सकता है, सस्ती के कारण आदमी वहाँ जा रहा है। तो ये नशा जो ये प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा जो ढिलाई देके फैलाया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक हमारी युवा पीढ़ी को ले जाएगा? अजमेर का भविष्य बहुत गर्द में दिख रहा है मुझे। किस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है भाई? प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। आप जो 8 बजे के बाद, अभी प्रशासन सख्त नहीं है, आपका कहने का मतलब? भाई प्रशासन सख्त नहीं है, 8 बजे बाद दारू बिक रही है ना, सब जानते हैं, मीडिया भी जानती है, आम आदमी भी जानता है। आज मुझे कहीं से अगर कोई एक पौवा लेना पड़ेगा तो मेरे को किसी के अप्रोच लगाने की या कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर किसी तरह का पुलिस का डर नहीं है। 8 बजे बाद आप हुक्का बार देखिए, ओपन हुक्का बार चल रहे हैं, वैशाली नगर एरिया क्षेत्र में कई ऐसे हुक्का बार हैं जो पुलिस की निगरानी में होने के बाद भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन सख्त होगा, कुछ आपकी वजह से ये जो बदनामी मिल रही है प्रशासन को या इस विभाग को, उसको कहीं ना कहीं आला अफसर दबाव देकर ख़त्म करवाएं। दारू नहीं मिलनी चाहिए, इजी अवेलेबल है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि पुलिस प्रशासन जब तक मुश्तैद नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर अंकुश बिल्कुल भी नहीं लग सकता है,
खुलेआम शराब बिक्री, खुलेआम हुक्का बार चल रहे हैं। पता नहीं क्या इन लोगों का पुलिस प्रशासन का सिस्टम है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, इन लोगों से नशा प्रवृत्ति वाले लोगों से काम करवाते हैं। इनके ऊपर शिकंजा कसना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा हमारा देश तो गर्द की ओर चाहेगा ही। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। तो अभी तक आपने राजस्थान की अलग अलग जगहों से लोगों की राय जानी, और अब हम आपको कोटा लिए चलते हैं जहां हमारे संवाददाता ने इसी मुद्दे को लेकर लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। जरा ये रिपोर्ट देखिए। देश और प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या है नशे के कारोबार बढ़ने की मेन वजह? इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान के लिए कोटा से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से राजस्थान प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। सर, लगातार नशे का कारोबार बढ़ते हुए देखा जा रहा है, क्या कारण है और किस तरह से नशे से निजात मिलनी चाहिए? बेसिकली सर, ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव एक यंग जनरेशन के लिए कि नशा एक ऐसी चीज़ है कि खुद नशा इंसान का नाश करता है। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में एक आपने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। बेसिकली नशा बचने के लिए सबसे पहले तो बच्चे को खुद को सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे नज़र रखनी पड़ेगी, और जिस समाज में जिन लोगों के साथ उठता बैठता है वहाँ पर एक बार डीप एनालिसिस करनी पड़ेगा कि किन लोगों के साथ हमारे बच्चे, क्योंकि हमें शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। नशा एक ऐसी चीज़ है कि इस वक्त सबसे बड़ा अगर बिजनेस देखा जाए तो वो नशा है, जिसमें लोगों को छोटी उम्र से ड्रग्स और चरस, गांजा, अफीम, और इसमें बड़ी यंग जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है, और देखा जाए तो इससे आने वाला हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, क्योंकि बच्चों को जब नशे की आदत पड़ जाती है तो बच्चा दुनिया अपने पॉजिटिव वाइब्स के साथ जो पॉजिटिव वर्क करना होता है उस पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, बच्चा अपना एक बेसिक एजुकेशन भी कम्प्लीट नहीं कर पाता है, और बच्चा एक सही ट्रैक से हट के वो अवेयरनेस हो कि नशा हमारी ज़िंदगी का नाश करता है। अगर हम नशे से बचेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी अच्छा होगा और हमारे देश का फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो मेरा यही मकसद है। थैंक यू। क्या सोच है कि नशे के कारोबार पर किस तरह से लगाम लगनी चाहिए? तो वहाँ पे तो वो नशे की तरफ अग्रसर होता है और वो नशे में डूब जाता है, तो पेरेंट्स भी इसमें अपने बच्चे की योग्यता का आकलन करें। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए क्या करना चाहिए, सरकारों को किस तरह से ध्यान देना चाहिए? जब बच्चे को बड़ा नहीं माना जाता तो वो समाज में जाता है, वो बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा खुद को मनवाने के लिए वो इस तरह की चीज़ों पर जाता है, जैसे कि नशा हुआ, ये हुआ। तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, उन्हें अपनापन दें, उनके साथ एक ऐसा रिश्ता कायम करें कि वो बाहर अगर जाएं भी तो कम से कम इन बुराइयों से बच सकें। नशे के कारोबार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए मैडम? और युवा पीढ़ी, अगर राजस्थान की बात की जाए तो नशा बिल्कुल सुलभ तरीके से हर युवा को मिल रहा है यहाँ पर, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सर, सबसे से आया है, कॉलेज से आया है, काम करके बाहर से आया है, और इसके लिए मदर को भी, फादर को भी अच्छे से बच्चे से फ्रीली बात करना चाहिए, जिससे कि ये जो है पूरे समाज में फैल सकती है बात। बच्चा बाहर जाके अपने फ्रेंड्स को बोलता है, देखो मेरे बैग में आज ये था, मेरे फ्रेंड ने दिया, बाय द वे उसके पास कोई ऐसी अनवांटेड चीज़ आई है, तो इससे अगर मदर अच्छे से बताए घर में कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, आपको इसको लेनी ही नहीं चाहिए। क्या पुलिस जो है वो सही दिशा में काम कर रही है नशे को रोकने के लिए? पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चे पर, जैसे आज मेरा बच्चा है, मैं बोलती हूँ कि नीट फाइट करना है, तो ये प्रेशर है, और वो जब वो नहीं कर पाता है तो वो उसकी ओर अग्रसर होता है कि वो क्या प्रेशर की वजह से युवा पीढ़ी नशे में जा रही है? नहीं, ऐसा सबके लिए नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेशर भी है एक तरह से, लेकिन उनको फ्रीडम देना भी इस लाइन की तरफ जाना हो सकता है। बहुत ज़्यादा फ्रीडम देना, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखना है, ये सब भी हम मान सकते हैं, सब चीज़ों के पीछे रीज़न। नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पहली शिक्षा उसको घर से मिलती है और बाद में गुरुजनों से मिलती है, तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या विचार है आपका? सर, सबसे पहले तो ये है कि ध्यान पेरेंट्स कम रख पा रहे हैं,
पेरेंट्स के अलावा समाज तो जिम्मेदार है ही। अगर हम पड़ोस में किसी बच्चे को बिगड़ता हुआ देखते हैं तो आज हम बिल्कुल चिंता नहीं करते कि देखेंगे जो होगा पड़ोस का बच्चा है। लेकिन पहले होता था कि अगर पड़ोस में कोई बच्चा बिगड़ रहा है किसी तरह से हर कोई उसको काउंसलिंग करता था। लेकिन आजकल क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, माता पिता और बच्चे बस यही हो गया है परिवार। लेकिन पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो हर कोई बच्चे को काउंसलिंग करता था। तो अब कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक परिवेश तो जिम्मेदार है। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन सरकार की कोशिश के अलावा भी स्कूल कॉलेजेस सब जिम्मेदार हैं। एक काउंसलिंग सेल बच्चों के लिए होना चाहिए, मोटिवेशन सेल बच्चों को होना चाहिए जो बच्चों को काउंसिल करे, बार बार इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में बच्चों को बताया जाए। और ये हमारे सिलेबस कुरिकुलम में भी क्लास 9-10 से ऐड होना चाहिए जिससे कि हमारा शिक्षा विभाग इस बात को समझे कि बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको देखिए समाज। एक चीज़ ये कि जो नशे का कारोबार है, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, उनके बाहर गुटखा तम्बाकू इस तरह की चीज़ें मिलती है, सरकार ध्यान नहीं देती, इस पर क्या कहना चाहिए? देखते हैं जिनको लोग यूथ आइकन मानते हैं, अपना आइडियल हीरो मानते हैं, वो कहीं ना कहीं शराब और सिगरेट का प्रचार करते हुए नज़र आते हैं और उनसे ही युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नशे के कारोबार में लिप्त होती हुई दिखाई दे रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़ कोटा। और वहीं अब चलते हैं श्रीगंगानगर जहां हमारी संवाददाता ने लोगों से उनकी राय जानी। न्यूज़ के बोले राजस्थान कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे युवा पीढ़ी को जकड़ता हुआ नशा। धीरे धीरे जिस तरीके से नशा अपने पांव पसार रहे हैं उससे लगभग श्रीगंगानगर के अंदर युवा वर्ग कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से प्रभावित है और कहीं ना कहीं पे पुलिस और प्रशासन भी नशे के ऊपर अंकुश लगाने के अंदर नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि युवा पीढ़ी जो है वो नशे की गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहोगे? श्रीगंगानगर की आवाम है हमारे साथ में, इनसे जानना चाहते हैं गंगानगर के युवा जो है वो नशे के लिए अग्रसर हो रहे हैं, नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और आम को जो आम जनता है उसको भी आंदोलन करना अब सुनिश्चित हो चुका है। आसानी से पंजाब से जो है वो खेप उपलब्ध हो रही है। बिल्कुल, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे जो सरकारें हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसका कहीं ना कहीं आता है, तभी ये खेप यहाँ तक पहुँच रही है। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन जो है वो नाकाम हो रही है और यही वजह है कि आसानी से दूसरे राज्यों से बॉर्डर से जो है वो राजस्थान और श्रीगंगानगर के अंदर नशे की खेप पहुंच रही है और आसानी से युवाओं तक नशा उपलब्ध हो रहा है और यही वजह है कि युवा जो है वो नशे की जकड़ के अंदर जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में एक साथी हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? लगभग हर घर के अंदर कोई ना कोई नशे से प्रभावित है और बुरे हालात है जहाँ पर नशा ज्यादा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, ये नशा ही नहीं, नशे की वजह से गंगानगर का जो क्राइम रेट है वो इस वक्त चरम सीमा पर है। क्राइम जो रोजाना क्राइम का जो रेट है वो बहुत ऊपर जा चुका है और ये गंगानगर जिला है जो पंजाब से सटता हुआ जिला है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान की, तो यहाँ नशा भी बड़ा आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और नशे की वजह से ही युवाओं को रोजगार और इसका जो और अन्य काम है उसमें उनका ध्यान नहीं है, नशे की ओर उनका ध्यान ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम सरकार से निवेदन रहेगा कि इस नशे पर कंट्रोल करें। पुलिस प्रशासन भी इस काम में विफल होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी मतलियां बंधी हुई है और वो नशे पर कोई रोकथाम नहीं लगा रहे। बिल्कुल, पुलिस प्रशासन जो है वो नशे के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा कुछ नशे के ऊपर कार्रवाइयां करके अपनी पीठ थपथपाई जा रही है मगर नशे के ऊपर पूरी तरीके से रोक नहीं लगा पा रही है पुलिस प्रशासन। इसलिए साफ तौर पे कह सकते हैं कि श्रीगंगानगर जो है वो धीरे धीरे उड़ता हुआ पंजाब की तरह, राजस्थान जो है वो भी उड़ता हुआ राजस्थान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरकार और पुलिस प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा ताकि युवा जिस तरीके से नशे की जकड़ में जकड़ते हुए जा रहे हैं। और इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।